एनडीए से पशुपति बाहर। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। एनडीए ने सोमवार को बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर सीट बंटवारे की घोषणा की और मंगलवार को एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा हो गया। सीट बंटवारे में बीजेपी ने बड़ा खेला कर दिया है। बंटवारे में 3 सांसदों का टिकट कैंसिल करते हुए 3 को वेटिंग में छोड़ दिया है। वह वेटिंग पशुपति कुमार पारस नहीं समझ सके हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि अगर वो नाराज होते हैं, रुख बदलते हैं, तो नुकसान फायदा किस तरह से होगा। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए से कौन कहां से लड़ेगा, आखिरकार तय हो ही गया। कई दिनों तक चल रही खींचतान के बाद बिहार में एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया। हैरानी वाली बात है कि सीट शेयरिंग के तहत पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई। माना जा रहा है कि ये सारा खेल एक सीट पर लड़ने की जिद के कारण बिगड़ गया। दरअसल पशुपति पारस हाजीपुर सीट मांग रहे थे, जबकि यही सीट चिराग पासवान भी मांग रहे थे। हाजीपुर वही सीट है जहां से चिराग के पिता रामविलास पासवान 9 बार लोकसभा सांसद रहे थे। 2019 में पशुपति पारस यहां से पहली बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। पशुपति पारस कई मौकों पर कह चुके हैं कि वो किसी भी कीमत पर हाजीपुर सीट से कोई समझौता नहीं करेंगे। बताया जाता है कि एनडीए उन्हें समस्तीपुर सीट देने को तैयार था, लेकिन पशुपति हाजीपुर की जिद पर अड़े रहे और आखिरकार यही जिद उन पर भारी पड़ गई। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक 2021 में जब एलजीपी में टूट पड़ी तो चिराग अलग थलग पड़ गए। बीजेपी ने दलित वोटों की उम्मीद से पारस का समर्थन किया, लेकिन चिराग पासवान ने जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर अपनी शक्ति बीजेपी को दिखा दी। इस यात्रा के जरिए चिराग पासवान खुद को रामविलास पासवान का असली राजनीतिक उत्तराधिकारी साबित करने में सफल रहे। बीजेपी जब पशुपति पारस को तवज्जो दे रही थी, तब भी चिराग खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते रहे और कहते थे कि पीएम उनके दिल में बसते हैं। चिराग ने पूरे सब्र के साथ इंतजार किया और बीजेपी को समझाने में कामयाब रहे कि उन पर भरोसा करना ज्यादा फायदेमंद है, जबकि पशुपति पारस राजनीतिक रूप से उतने सक्रिय नहीं रहे। इसके साथ पशुपति पारस की बढ़ती उम्र की वजह से बीजेपी को उनके साथ राजनीतिक भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं पशुपति पारस के एनडीए छोड़ने के साथ बीजेपी विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई। बीजेपी का ये चरित्र रहा है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। पशुपति पारस जी के साथ उन्होंने वही किया जो इसके पहले भी सहयोगियों के साथ किया है। श्री चिराग पासवान जी की पार्टी को पहले तोड़ा, अब चिराग पासवान जी को वो अपने साथ लाए और चाचा जी को सड़क पर छोड़ दिया। कल ही जब सीट बंटवारे में उनको नहीं दिया सीटिंग 5 एमपी के एक भी सीट, तो उसी से अंदाजा लग गया था कि अब पशुपति पारस जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। भी सहयोगी हैं बीजेपी के साथ, एनडीए में सीट बंटवारा भले फाइनल हो गया हो, लेकिन नाराजगी सहयोगी दलों के नेताओं में है। श्री उपेंद्र कुशवाहा जी नाराज बताए जा रहे हैं, खबरें आ रही है। आदरणीय मांझी जी को एक सीट देकर सल्टा दिया गया, 2 रोटी की मांग करते थे वो, उपेंद्र कुशवाहा जी को भी एक सीट देकर सल्टा दिया गया। तो ये बीजेपी में एनडीए में अभी सिर्फ फुटवल होना बाकी है। सियासत में किसी नेता का कद उसके वोट बैंक से तय होता है। वोट बैंक मामले में चिराग पासवान अपने चाचा पारस पर भारी पड़े। अगर पशुपति पारस मंत्री बनने के बाद से राजनीति में सक्रिय रहते तो उनका जनाधार बना रहता, पर वो ऐसा नहीं कर सके, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवी नेटवर्क। तो बिहार में सीटों का बंटवारा तो हुआ, लेकिन इसी के साथ पशुपति पारस नाराज हो गए और उनका यह कहना है कि एनडीए ने हमारे साथ नाइंसाफी की है। उनका यह कहना है कि उन्होंने एनडीए में पूरी ईमानदारी के साथ सेवा की, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम किया,
लेकिन बीजेपी ने और एनडीए ने उनके साथ नाइंसाफी की। लेकिन इसी को लेकर चिराग पासवान को 5 सीटें मिली और शून्य पर रह गए उनके चाचा पशुपति पारस। अब ऐसे में सवाल यह है, क्योंकि जो दबी हुई आवाजों में बातें चल रही हैं वो ये भी हैं कि आरजेडी के साथ वो संपर्क में भी हैं, और दबी हुई कुछ खुली आवाजों में भी ये बातें सामने आने लगी, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहा था, सीटों के बंटवारे की फाइनल घोषणा का इंतजार कर रहा था, उसके बाद हम स्वतंत्र हैं और उसके बाद हम कहीं भी जा सकते हैं। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अरुण कुमार जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के, और हमारे साथ राकेश पोद्दार जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आप दोनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। आरएलजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय सर्फ जी, प्रवक्ता हैं। आप दोनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। संजय जी, जो खबरें ये निकलकर आ रही हैं कि अब अगर जगह नहीं मिली है, सीट बंटवारे को लेकर सीटें नहीं हाथ में आई, तो अब इंडिया गठबंधन की तरफ भी रुख कर सकते हैं पशुपति पारस। संजय जी, कितनी सच्चाई कितना दम इन बातों में? संजय जी सुन पा रहे हैं मुझे? संजय जी सुन पा, शायद संजय जी को आवाज नहीं जा रही, एक बार चेक कीजिएगा। राकेश जी, खबरें यह हैं कि सीट ना मिलने की वजह से पशुपति पारस नाराज हैं और वो इंडिया गठबंधन की तरफ रुख कर सकते हैं, आरजेडी से संपर्क में हैं। कैसे मनाएगी बीजेपी? देखिए, मैं एक चीज राणा जी बताना चाहता हूँ कि गठबंधन की बात, हमारे शीर्ष नेतृत्व अमित शाह जी हैं और जयप्रकाश नड्डा जी हैं और सभी जो चुनाव समिति के लोग हैं, सभी ने निर्णय लिया, इसका स्वागत योग्य है। और इस निर्णय पे जो भी बिहार की जनता जो है, विकसित भारत संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया, उस पे हम लोग काम करना चाहते हैं और भारत को मजबूत करने का काम है ये चुनाव जो है भारत। तो राकेश जी, क्या विकसित भारत बनाने के लिए पशुपति पारस आड़े आ रहे थे, वो नहीं बनने दे रहे थे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आपने अभी कहा ना कि ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि हम विकसित भारत के लिए काम करना चाहते हैं, तो उनको हटाने का मतलब तो फिर यही हुआ। राणा जी, पहले मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं दोबारा बताइए, मैं ध्यान से सुनूंगा। हाँ राणा जी, मैं कहना चाहता हूँ कि पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान का घर का मामला है, पार्टी उनकी है, उसका घर का मामला, उसे भारतीय जनता पार्टी को किसी से लेना देना नहीं है। और चलिए ठीक है, ठीक है राकेश जी, मैं ये मान लेता हूँ कि उनके घर का मामला है, लेकिन उनका यह कहना है कि एनडीए और बीजेपी के लिए मैंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम किया, लेकिन मेरे साथ नाइंसाफी हुई, बीजेपी ने की नाइंसाफी, तो फिर घर का मामला कैसे? नहीं राणा जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ उनका घर का मामला है, पशुपति कुमार पारस उनके चाचा है, चिराग पासवान उनके भतीजे हैं, अब उनके घर ये रिश्ता तो मुझे भी पता है। आप मेरे वाले सवाल पर आइए ना थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि समय कम रहता है चर्चा के लिए ना, आधा घंटा मिलता है। राणा जी हमको बोलने दीजिएगा तभी ना, आप तो बोल देते, मेरे को ब्रेक लगाना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, उन्होंने निर्णय लिया है, तो उस निर्णय पे हमारे जैसे कार्यकर्ता इस पे नहीं बोल सकते। और हमारी चुनाव समिति है, हमारी कोर कमेटी है, सभी ने निर्णय लिया, चाहे बिहार का हो चाहे राष्ट्रीय लेवल का हो, कहीं ना कहीं कुछ एक दूसरे में दिखा होगा, जिस कारण से पशुपति कुमार पारस जी आगे एनडीए से बाहर चले गए, तो इसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती कि बिहार को मजबूत करना, देश का मजबूत करना, ये हमारा संकल्प है, विकसित भारत को बनाना। चलिए ठीक है राकेश जी एक और सवाल कि आखिर पशुपति पारस को सीट ना देने के पीछे का कारण क्या? देखिए, इस कारण को हम नहीं बता सकते, मैंने आपसे बार बार कर रहा हूँ कि हमारे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी बता सकते हैं, गृह मंत्री बता सकते हैं, और हमारे पशुपति कुमार पारस जी ने कहा कि हमारी, देखिए चर्चा के लिए डिबेट में वो तो आ नहीं सकते हैं, और अगर आ जाएं तो इससे अच्छा कुछ होगा नहीं, तो हमने प्रवक्ता को इसीलिए बुलाया क्योंकि प्रवक्ता ही ऐसे सवालों के जवाब देते हैं, और आप ही अगर हाथ खड़े कर देंगे तो फिर जनता तक कैसे बात पहुंचेगी? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये समय आने दीजिए, अभी हमारे पशुपति कुमार पारस जी ने जो निर्णय लिया वो निर्णय उनका अपना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई अभी आधिकारिक
बयान अब किसी से नहीं आया, आप समय आएगा आपको दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है राणा जी। हम लोग कहते हैं कि बिहार को विकसित करना, देश को विकसित करना, जो काम हम लोगों ने जनता से वादे किए थे 235 वादे, जिसमें हम लोगों ने 222 वादे पूरा किया, तो हम लोग 95% वादे को पूरा करने का काम किया। और रही बात, ठीक है राकेश जी, लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या पशुपति पारस जो नाराज हुए, क्या इनको मनाने की कोशिश बीजेपी करेगी? और करेगी तो फिर क्या उनको उसकी एवज में दिया जाएगा, क्या ऑफर दिया जाएगा, कैसे मनाया जाएगा, क्या राज्यसभा का रास्ता दिखाया जाएगा? नहीं राणा जी, आप देख सकते कुछ चैनलों पे कुछ चला भी था, मामले आए भी थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे नड्डा जी ने बात भी किया पशुपति कुमार पारस जी से, मंगल पांडे जी भी गए, प्रदेश अध्यक्ष जी गए। अब कौन सी अंदर की बात है तो हमारे जैसे कार्यकर्ता नहीं बता सकते हैं, ना हम लोगों को मालूम होता, अंदर की बातें होती हैं। अब उसमें क्या है, क्या डिस्कशन हुआ, ये तो सिर्फ नेतृत्व का काम है। उसके बाद हमारी चुनाव समिति बैठी, चुनाव समिति में निर्णय लिया गया, सभी लोग कोर कमेटी के लोग बैठे थे, बिहार प्रदेश की कमेटी बैठी थी, प्रदेश अध्यक्ष बैठे थे, सभी दलों के। अब निर्णय लिया गया, निर्णय तो स्वागत योग्य होता है। ठीक है, लेकिन संजय जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? संजय जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, उन तक जरा एक बार चेक कीजिएगा, आवाज नहीं जा रही है। राकेश जी, चिराग पासवान को लेकर ट्विटर पर एक हैशटैग भी वायरल हो रहा है और उसमें लिखा है कि टिकट बेचने वाला, और उसी में उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे मेरा दूसरा कट लीजिएगा या मैं बोलूंगा अपने प्रत्याशियों के लिए लाइन। देखिए वो पहले का मामला है, 2020 का मामला है, उनके विधानसभा के चुनाव का मामला है, पहले का है, नया कोई मामला नहीं है, 2024 का कोई मामला नहीं है। अब चिराग पासवान जी उनकी अपनी पार्टी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या निर्णय लेते हैं, क्या करते हैं, और जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं जनता के बीच में, हम लोगों का लक्ष्य है। लेकिन जैसा आरोप अगर चिराग पासवान पर टिकट बेचने का लग रहा है, कुछ लोगों ने तमाम पोस्ट भी किए हैं कि जो लोग 6,000 वोट विधानसभा चुनाव में लेकर आए थे उनको फिर से टिकट दिया गया लोकसभा चुनाव में और टिकट बेचा जा रहा है, तो इन आरोपों से कैसे बचेगी बीजेपी भी? नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी को किसी से किसी सहयोगी दल ऐसा करता है, अगर हमारे पास ये बात आएगी तो हम लोग निर्णय लेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि चिराग पासवान ऐसा काम कर सकते हैं। हो सकता है पुराने मामले हो, पुराने वायरल हुआ हो, 2020 का मामला जो आप बता रहे हो 2020 का मामला है, उस मामले नहीं, वीडियो तो पुराना है, लेकिन जो मैं अभी दूसरा बता रहा हूँ वो ताजा है, टिकट बेचने वाला मामला ताजा है, वीडियो पुराना है। भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया, और भारतीय जनता पार्टी उनको 5 सीटें देने का काम किया, उनको भारतीय जनता पार्टी को पता है कौन सा आदमी कहाँ चुनाव लड़ेगा, वो सब निर्णय हो चुका है। टिकट बेचने बचाने वाला भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी भी नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी तो दूर दूर तक इस मामले में रहती भी नहीं है। ठीक है, एक और सवाल राकेश जी, सवाल ये है कि आखिर जो स्थिति बन रही है, ऐसे में विपक्ष आप पर आरोप ये लगा रहा है कि आप पहले पार्टी को तोड़ते हैं फिर एक को बीच राह में छोड़ देते हैं और क्षेत्रीय दल को समाप्त करने की तरफ बढ़ जाते हैं, यही आपने आरएलजीपी के साथ किया है कि पहले चाचा भतीजे में पार्टी को तोड़ा, पहले चाचा को गले लगाया, अब उन्हें बीच राह में छोड़ दिया, अब भतीजे को गले लगा लिया ताकि पार्टी और ज्यादा कमजोर हो जाए। नहीं ऐसी बात नहीं है राणा जी, मैं किसी पार्टी को कमजोर नहीं करना चाहता, लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र से देश चलता है, संविधान से देश चलता है, हम लोग किसी को तोड़ने फोड़ने में नहीं लगते हैं, हम लोगों का एक ही लक्ष्य होता है कि भारत किस तरह मजबूत हो, भारत 2047 नहीं नहीं, क्योंकि आंकड़े भी यही कहते हैं ना, नीतीश कुमार की पार्टी जो बड़ी मजबूत स्थिति में और नंबर वन पार्टी होती थी, आज वो विधानसभा में भी 40-42-43 पर आकर अटक जाती है। महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर यही चर्चे हैं कि जो ट्रिपल डिजिट में जिसकी सीटें आती थी आज आपने उसको तोड़कर लगभग खत्म कर दिया। नहीं राणा, आप जिसके साथ आते हैं उसको खत्म कर देते हैं, ये आरोप विपक्ष आप पर लगाता है और आंकड़े भी उस तरफ हैं। देखिए राणा जी, लोकतंत्र है, विपक्ष क्या बोल रही है उस पे नहीं, हम लोगों को जो अपना काम है उस पे हम लोग काम करना चाहते हैं, भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आप नहीं, 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 मैं आंकड़ों वाली बात भी कर रहा हूँ ना साथ में, आंकड़े भी उसी तरफ इशारा करते हैं। मैं उसी जगह आ रहा हूँ जहाँ आप सवाल पूछ रहे हैं, उसी जवाब पे मैं देना चाहता हूँ। महाराष्ट्र की बात कहे, बाला साहब ठाकरे जो थे हिंदुत्व सनातन धर्म को मानने वाले थे, लेकिन उनके पुत्र उद्धव ठाकरे जी की जो दिमाग थी वो किसी शरद पवार के साथ कांग्रेस नहीं, नहीं तो वो तो बाद में आए ना, शरद पवार तो बाद में आए, वो तो अभी लास्ट चुनाव में आए थे, उससे पहले तो वो आप ही के साथ चुनाव लड़ते रहे। नहीं नहीं, मैं उसी बात को क्लियर, नहीं नहीं आप उस बात को क्लियर नहीं कर रहे, आप बात को घुमा रहे हैं।
राकेश जी, नहीं नहीं मैं बात को घुमा नहीं, उद्धव ठाकरे जी हम लोग के साथ थे। उद्धव ठाकरे जी को महत्वाकांक्षा हो गया था कि मैं यहाँ का महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर में यह आ गया था। लेकिन बाला साहब ठाकरे के कभी ऐसा नहीं सोचती कि हम कभी महत्वाकांक्षी थे कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। उनको हमेशा था कि भारत किस तरह मजबूत बने, सनातन धर्म को किस तरह आगे बढ़ाए। लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं, तो ये महत्वाकांक्षा भी तो लास्ट चुनाव में आई ना उनके पास। उससे पहले तो वो आपके साथ लड़ते रहे, आपको समर्थन देते रहे, लेकिन उसके बाद भी उनकी सीटें तो लगातार घटती रही और बीजेपी की बढ़ती रही। राणा जी, मैं उसी बात को क्लियर करना चाहता हूँ। आप नहीं कर रहे हैं क्लियर उस बात को, आप बात घुमा रहे हैं बार बार। राणा जी, मैं बात को नहीं घुमा रहा हूँ, उसी बात को राणा जी क्लियर कर रहा हूँ जहां से आप पूछना चाहते हैं। जब बात आई उनको बनाने की बात, उन्होंने छोड़ के शरद पवार के साथ चले गए। चलिए ठीक है राकेश जी, थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे सवालों का जवाब देना, समझता हूँ मैं। संजय जी सुन पा रहे हैं मुझे? संजय जी आवाज मिल रही है? संजय जी सवाल यह है कि अब अगर सीटें आपको नहीं मिली हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो अब पार्टी का स्टैंड क्या होगा? और जो खबरें ये आ रही हैं कि आप इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, तो क्या आगे का कदम यही है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन प्रोसेस को कभी स्टॉप नहीं करती है, वो भी जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं और आपके पास 5-5 संसद होते हैं। अगर उसके बाद भी हम घर में बैठेंगे तो फिर हमें पॉलिटिकल पार्टी चलाने का कोई हक नहीं बनता है। हम लोग इलेक्शन में जाएंगे, 100% जाएंगे और देखेंगे गठबंधन कैसा क्या होता है। जिस गठबंधन से हमें भी समर्थन मिलेगा, हमें भी सपोर्ट मिलेगा, और जिसके साथ गठक दल हम खड़े हो जाएंगे उसको भी समर्थन सपोर्ट दे देंगे। तो आपके एक्स पर पशुपति पारस ने अपने एक्स पर एक लाइन और आगे जोड़ ली थी, मोदी का परिवार। तो अगर इंडिया गठबंधन में जाएंगे तो फिर किसका परिवार लिखेंगे? बड़ी मुश्किल हो जाएगी हटाना ऐसे। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, राजनीति में आपको पता है परिस्थितियां चेंज होती रहती है हर वक्त, परिस्थितियां, इसलिए परिस्थितियों को नजर में रख के हर वक्त सिचुएशन को देखा जाता है, पार्टी के कार्यकर्ता को देखा जाता है, कैडर को देखा जाता है, हमारा कैडर कैसे बचता है, उसको संभालना कैसे, उसको आगे लेके कैसे जाना है। तो ये मोदी का परिवार सिर्फ राजनीतिक तौर पर लिखा था या दिल से था? नहीं, अफकोर्स राजनीति में देखिए, हमारी अब तो एलजेपी से आरएलजेपी हो गई। हम लोग तो पिछले 30 साल से गठक दल में, हम ही नहीं बहुत पार्टियां हैं गठबंधन में, एक दूसरे के साथ रहते हैं। कल तक चिराग जी भी हमारे साथ नहीं थे तो वो बहुत कुछ बोलते थे, उसका थोड़ी मतलब है। आज वो अगर इनके साथ में है तो वो इनका परिवार है, मोदी जी का ही परिवार है। क्या पता 25 में फिर वो असेंबली के टाइम फिर निकल जाए जैसे एक और दावा पशुपति पारस कर रहे हैं। देखिए, इसमें हर एक की पॉलिटिकल कमिटमेंट्स होती है और पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स होते हैं पार्टी को आगे लेके जाने का और पार्टी को आगे बीच में रखने का। ठीक है संजय जी, आपने एक और सवाल दे दिया, वैसे मैं इससे अलग हटना चाह रहा था। अब सवाल यह है कि पार्टी को आगे बढ़ाना है या देश को आगे बढ़ाना है? नहीं देखिए, पार्टी भी आगे बढ़ेगी, देश भी आगे, देश तो आगे बढ़ ही रहा है। देश को आप और मैं कौन होते हैं रोकने वाले? देश की जो आज स्थिति है, पूरे यूनिवर्स में हमारा देश नंबर वन है, इसमें कोई शक नहीं है। हम तो खुलकर आज भी कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने काम किया इंडिविजुअली, उस काम को हर एक सहारना तो अगर आप इंडिया गठबंधन में होंगे तो फिर किस मुद्दे के साथ चुनाव लड़ेंगे? देखिए, एज प्राइम मिनिस्टर तारीफ करना अलग बात है, बट एज पॉलिटिकल पार्टी जब हम बात करते हैं तो नहीं। संजय जी आपने अभी ये कहा कि पॉलिटिकल पार्टी है तो चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा, तो उतरेंगे तो आपका स्टैंड फिर क्या होगा? क्या आप चुनाव में इसी वजह से उतरेंगे कि देखिए हम मोदी जी के साथ थे, कैबिनेट में हम उनके साथ थे, हमें वोट दीजिए? देखिए राणा जी, हाँ, जब प्रधानमंत्री जी हमारे सामने है तो प्रधानमंत्री है, जब इलेक्शन के टाइम सामने है तो वो कैंडिडेट है एक पार्टी के। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आपके पास कौन कौन से मुद्दे होंगे संजय जी? जब आप सवाल पूछा करें तो जवाब भी पूरा सुना करें प्लीज। हाँ नहीं, वो जवाब आ गया ना आपका, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ ना, आप बताइए ना कि आखिर कौन कौन से मुद्दे होंगे आपकी पार्टी के जो आप चुनाव में लेकर उतरेंगे? देखिए, अगर हम लोग चुनाव में जा रहे हैं तो हम लोग प्रॉपरली एजेंडा जो भी होगा, जो प्रोफार्मा होगा, जो कॉमन मिनिमम पॉइंट होगा, वो आपके सामने आ जाएगा। वो अभी मैं आपके सामने अभी देने को तैयार नहीं हूं ना, जब हम लोग बैठेंगे, जिसके साथ भी गठबंधन होगा, अगर गठबंधन हमारा किसी के साथ भी होता है, जिसके साथ होगा वो उनके इंटरेस्ट और उनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ हम लोग भी खड़े हो जाएंगे। जब हम इलेक्शन साथ में लड़ेंगे तो हम लोग ऑटोमेटिकली उनके ग्रुप का हिस्सा बनेंगे और उन्हीं के
जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो हमारे इंटरेस्ट होंगे उनके इंटरेस्ट होंगे, उसी में अवाम और जनता के इंटरेस्ट होंगे, कॉमन मैन के इंटरेस्ट होंगे। संजय जी, तो क्या चुनाव प्रचार करते हुए मोदी जी के कामों की बड़ाई करके वोट मांगेंगे? कमाल करते हैं आप राणा जी, जब राष्ट्रीय हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं, प्रधानमंत्री ने अपना काम किया, जब मोदी जी हमारे सामने आएंगे तो वो मोदी जी होंगे, वो प्रधानमंत्री नहीं होंगे। तो जब इलेक्शन लड़ा जाएगा तो इलेक्शन में हर एक के जहां पर हमारे जा रहा हूं ना, आप एक तरफ कह रहे हैं कि मोदी जी ने अच्छा काम किया, बात रखेंगे। संजय जी, एक तरफ आप कह रहे हैं मोदी जी ने अच्छा काम किया, दूसरी तरफ आप उनकी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर कैसे दोनों चीजों को मैनेज करेंगे? राणा जी एज प्राइम मिनिस्टर हम हर एक के अप्रिशिएशन करते हैं, मनमोहन सिंह साहब ने भी अच्छा काम किया, वाजपेयी जी ने सबसे अच्छा काम किया, एज प्राइम मिनिस्टर जिसने जो काम किया हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, जब पॉलिटिकल लाइन में उतरेंगे तो संजय जी एक और सवाल, समय कम है, संजय जी एक और सवाल, हाजीपुर से क्या पशुपति पारस ही चुनाव लड़ेंगे और चाचा भतीजा आमने सामने होंगे? ये फाइट एक दूसरे के अगेंस्ट में, दो कैंडिडेट खड़े होंगे, ये कंफर्म है कि पारस जी इलेक्शन लड़ेंगे हाजीपुर से। उनके आगे कौन होगा हम उस वक्त रिलेशन को नहीं देखेंगे, रिलेशन हमारी तभी तक थी जब हम एक परिवार थे, अब जब परिवार के हिस्से हो गए तो रिलेशन वहीं से खत्म हो गई। ठीक, और रिलेशन फिर से एक बार कोर्ट कर, रिलेशन चिराग पासवान ने खत्म की, रिलेशन कभी भी पारस जी ने खत्म नहीं की, रिलेशन उन्होंने 2020 में खत्म की जब वो अकेले लड़े 135। ठीक है संजय जी, हमारे साथ प्रमोद सिन्हा भी जुड़ गए, प्रवक्ता है आरजेडी के, स्वागत है आपका प्रमोद जी। प्रमोद जी, तेज प्रताप ने यह बयान दिया कि अगर पशुपति पारस हमारी पार्टी में या हमारे गठबंधन के साथ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है और दिल खोल कर स्वागत करेंगे, तो क्या आप इस नजरिए से भी देख रहे हैं कि कब वो हाँ करें और कब हम वेलकम करें उनका? देखिए राणा जी, अभी हम लोग महागठबंधन में जितने भी दल अभी हैं, हम लोग बिहार के 40 सीट पर महागठबंधन के साथी मजबूती से लड़ने के लिए जो अभी वर्तमान में मुद्दा बनाम मोदी की जो लड़ाई है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मुद्दा है देश के जो ज्वलंत मुद्दा है, बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, लोकतंत्र को बचाने की जो बात है, संविधान को बचाने की जो बात, तो उस मुद्दा पर हम लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लेकिन प्रमोद जी, संजय जी तो कह रहे हैं कि प्रमोद जी, हम आप ही के सवाल पे आ रहे हैं सर। पशुपति पारस जी का जहां तक बात है तो उन्होंने अभी मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, उन्होंने कहा है कि हम लोग आपस में कार्यकर्ता के बीच में हम लोग तय करेंगे कि क्या करना है, तो अब तो उनको तय करना है ना कि वो क्या करें। नहीं, उनके एक प्रवक्ता तो ये भी कह चुके हैं ना कि 2004-09 में लालू प्रसाद यादव का और रामविलास पासवान का गठबंधन भी रहा है, तो हम उस रिश्ते को भी फिर से जीवित कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो अगर उन्होंने कहा है तो ये तो देखिए, इस तरह का गठबंधन रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हम मुद्दों के साथ हैं और मुद्दों के साथ जो हमारे मुद्दों के साथ मान लीजिए कोई आते हैं तो इसका भी फैसला जो है हमारे शीर्ष नेतृत्व करेंगे। महागठबंधन दल के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो इन सब बातों को देख रहे हैं, और अभी तो पशुपति पारस जी सिर्फ केंद्रीय मंत्री पद के से इस्तीफा दिए हैं, इस्तीफा देने के बाद वो तय करेंगे कि उनको क्या करना है। ठीक है, लेकिन प्रमोद जी एक और सवाल, अभी आपने कहा कि बेरोजगारी का मुद्दा होगा आपके पास, महंगाई का मुद्दा होगा, लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा होगा, लेकिन संजय जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो अगर अच्छा काम किया तो ये मुद्दे बचे ही नहीं होंगे। देखिए ये संजय जी का सवाल है, संजय जी क्या बोल रहे हैं अभी हम उन पर नहीं जा रहे हैं। नहीं, अभी आपकी पार्टी में पशुपति पारस आते हैं तो इस पर तो चर्चा आपको करनी पड़ेगी कि या तो प्रधानमंत्री मोदी ने इन मुद्दों पर काम किया या नहीं किया। अभी का जो परिस्थिति है, जो वर्तमान परिस्थिति है उस पर हम बात करेंगे ना। आज सवाल है कि 2014 में जिन लोक लुभावन वादों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की सत्ता पर काबिज हुए, क्या उन वायदों को पूरा करने का काम किया? नहीं, प्रमोद जी मेरा सवाल ये है, प्रमोद जी मेरा सवाल ये है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, तमाम मुद्दे छूट गए हैं, एक तरफ संजय जी कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो अच्छा काम किया या बुरा काम किया ये कैसे आप डिसाइड करेंगे? आप कैसे जनता को समझाएंगे अगर दोनों साथ आएंगे? तय करना है ना जी, तो संजय जी को तय करना है। अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो आज इनको
जो है वहां से एक टिकट भी देने का काम नहीं किया, जब इनके पास सांसद थे और उन सांसद का जब एक्सपायरी डेट आ गया तब तो इनको जो है वहां से एक भी टिकट नहीं दिया गया। एक और सवाल प्रमोद जी, एक और सवाल, लास्ट सवाल आपसे कि अगर ऐसी स्थिति रहेगी, हाँ संजय जी लौटूंगा आपके पास, अगर संजय जी आज बोल रहे हैं अगर ये बात सच है तो आपके साथ आने के बाद भी क्या यही बात बोलेंगे या फिर झूठ बोलेंगे? हमारे साथ आने का और अभी हम आपको के साथ खड़े हैं वो मुद्दा पूरा देश जानता है कि देश के भाजपा के जो केंद्र सरकार था किस प्रकार से लोगों को ठगने का काम किया। ठीक है ठीक है ठीक है संजय जी, हाँ आप कुछ कहना चाहते? देखिए राणा जी, मैंने आपको पहले ही यही बात की कि जब अगर हम कहीं पर भी किसी के साथ गठबंधन होता है, गठबंधन में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा उस वक्त में गठबंधन के सभी साथी उसी प्रोग्राम के साथ में चलते हैं, जो भी एजेंडा होता है वो सबका एजेंडा होता है। नहीं तो फिर तो दोहरे मापदंड हो गए ना कि हम इसके साथ है तो ये अच्छा है और उसके साथ है तो ये अच्छा है, फिर जनता को कैसे समझाएंगे कि अच्छा कौन है? हम लोग ने कोट कर दिया राणा जी, आप अगर मेरा वीडियो वापस फिर से एक बार देखेंगे, मैंने कोट किया एज प्रधानमंत्री, मैंने पर्टिकुलरली कोट नहीं किया प्रधानमंत्री का, मैंने नाम नहीं कोट किया, मैंने कहा एज प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया, मनमोहन सिंह साहब ने भी काम अच्छा किया, मोदी जी ने भी अच्छा। मैं तो वही समझना चाहता हूँ ना कि अगर एज ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर बुरा काम नरेंद्र मोदी कैसे कर सकते हैं? सिर्फ नरेंद्र मोदी गलत काम कैसे कर सकते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं? तो आप रिपीट करेंगे? हाँ ठीक है, अभी चलिए मैं और क्लियर कर देता हूँ। प्रमोद जी ने अभी ये कहा कि हमारे पास मुद्दा है बेरोजगारी का, हमारे पास मुद्दा है महंगाई का, हमारे पास मुद्दा है लोकतंत्र को बचाने का, तो क्या ये मुद्दे जीवित हैं? क्या महंगाई और बेरोजगारी है या नहीं है? मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए अभी तक हम लोग वेरी ऑनेस्टली और वेरी क्लियरली, मैं बहुत सीधी बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पॉलिटिक्स है इसमें। अभी तक हो सकता है मैंडेट के चश्मे से जब देख रहे थे हमें नजर नहीं आ रहा था, अब जब हम साथ में घटक दल किसी के साथ भी बैठेंगे तो ये सब चीजें खुलकर आ जाएगी तो हमें नजर आ जाएगा। ये तो वही हुआ कि आपको जो चश्मा लगा दिया जाएगा आप उस चश्मे से देखेंगे और वही बोलेंगे। ठीक है राकेश जी, लास्ट कमेंट 30 सेकंड आपके पास जी, उस पर बात करेंगे फिर। राणा जी इन्होंने कहा राष्ट्रीय जनता दल के लोगों की लोकतंत्र की हत्या की, लोकतंत्र का किसी ने लूटा तो तेजस्वी यादव ने लूटा, देख सकते किस तरह विधानसभा में लूटा। और बेरोजगारी की बात करें 3.5 करोड़ लोगों को हम लोगों ने आत्मनिर्भर बनाया 2019 कोरोना काल के बाद, 1 करोड़। लेकिन आंकड़े अभी भी बहुत कुछ कहते हैं। ठीक है शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन बिहार में सीट का बंटवारा होने के बाद सियासी हलचल मच गई है। अब देखना यह होगा कि पशुपति पारस आखिर किस तरफ रुख करते हैं, क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे या फिर चुप होकर समर्थन बीजेपी को ही करेंगे। यह अभी तमाम चीजें हैं जो अभी देखनी बाकी हैं। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।